हे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हमारे स्पार्ट जो सैमसंग के स्मार्टफोन से उनके टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना है। जिन टिप्स और ट्रिक्स को आप यूज़ करके आपका जो स्मार्टफोन एकदम बेस्ट और बड़े तरीके से आप उसे क्विकली यूज़ कर सकते हो, जो फीचर्स आप यूज़ करते हो उन्हें एकदम बड़े और स्मार्टली आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका स्मार्टफोन का यूजेस भी एकदम बड़े से बढ़ जाता है और आप जो फीचर्स है वो भी एकदम आसानी से यूज़ कर पाते हैं। उनमें भी कुछ शॉर्टकट्स तरीके होते हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले, जिससे आप क्विकली उन फीचर्स को आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए आज के इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्मार्टफोन यूज करने के लिए या स्मार्टफोन को ऑन करने के लिए पावर बटन यूज करते हैं, जिससे हमारा स्मार्टफोन ऑन होता है या ऑफ होता है, जिससे हम हमारा डिस्प्ले को इजिली यूज कर पाते हैं, इसलिए हमारे डिस्प्ले में हम जा सकते हैं। लेकिन पावर बटन को बिना ऑन या ऑफ के भी आप अपने डिस्प्ले में चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेडिकेटेड फीचर भी यहाँ पर आपके सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जो कि लिफ्ट टू वेक ये नाम का फीचर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिससे हम डायरेक्टली हमारे स्मार्टफोन का पावर बटन को बिना छुए डायरेक्टली हमारा जो स्मार्टफोन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर जाने के बाद एडवांस फीचर्स पर जाना है, एडवांस फीचर्स पर जाने के बाद मोशन एंड गेस्चर पर जाना है, जिससे वहाँ पर आपको लिफ्ट टू वेक ये नाम का फीचर दिखाई देगा, जिससे वो ऑफ होगा उसे ऑन करना है, फिर बाद में आपको ये फीचर आप इजिली यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए सिंपली आपको स्मार्टफोन का आपको नॉर्मल सर्फेस पर रखना है। जब भी आप उसे नॉर्मल सर्फेस पर रखोगे और उसे डायरेक्टली टच भी करोगे तो वो और उसे उठाओगे तो जो स्मार्टफोन की स्क्रीन है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर वो सा सेंसर होता है कि जब भी आप स्मार्टफोन को टच करते हो तो इजीली आपका जो स्मार्टफोन जब वहाँ से उठ जाता है या आप उसे अपने हाथ में लेते हो तो डायरेक्टली अपना स्मार्टफोन इजीली स्टार्ट हो जाता है और आप इजीली बिना पावर बटन को प्रेस किया अपना स्मार्टफोन इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। हम सभी को हमारे स्मार्टफोन के कैमरे में अलग अलग फोटोज निकालना, अलग अलग वीडियोज निकालना काफ़ी पसंद होता है, इसलिए हम सिंपली हमारे स्मार्टफोन के कैमरा ऐप में जाकर इजीली हमारे फोटोज और वीडियोज निकालते हैं। लेकिन आप बिना कैमरा ऐप में जाकर कर अपना कैमरा इजीली ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर जाने के बाद एडवांस फीचर्स पर जाना है, एडवांस फीचर पर जाने के बाद साइड के नाम को ऑप्शन वहां पर आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर डबल प्रेस नाम का ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिलेगा, पहले ऑफ होगा उसे ऑन करना है और डबल प्रेस के नीचे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा कि किस मतलब डबल प्रेस करने के बाद आपको कौन सा फंक्शन रहना चाहिए। तो सिंपली आपको कैमरा पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि डबल प्रेस करने के बाद मतलब जो आपका पावर बटन है उसे डबल प्रेस करने के बाद क्या कैमरा स्टार्ट हो रहा है या नहीं। फिर वहां पर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और इजीली आप बिना कैमरा आपको ओपन किए डायरेक्टली अपना कैमरा स्टार्ट करके इजीली फोटोज वीडियोज एंजॉय कर सकते हैं। हम हमारे स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ भी इजीली बढ़ा सके, इसलिए इसमें एकदम बढ़िया वाला फीचर देखने को मिलता है, जो कि पावर सेविंग मोड। इससे हमारे जो स्मार्टफोन की बैटरी वो भी इजीली अपनी पावर को एक कम इस्तेमाल करते हैं और हमारे जो बैटरी यूजेस मोबाइल की यूजेस है उसे भी एकदम नॉर्मल यूटिलाइज करके अपनी जो पावर सेविंग है वो बढ़ाते हैं, जिससे हम लॉन्ग टर्म या ज़्यादा देर तक इजीली हमारा स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर जाने के बाद बैटरी एंड डिवाइस केयर पर जाना है, बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाने के बाद फिर आपको वहाँ पर बैटरी ऑप्शन पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद पावर सेविंग मोड पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, वो उसे ऑन करना है, जिससे पावर सेविंग मोड वो ऑन हो जाता है और आप इजीली अपनी बैटरी की पावर सेव कर सकते हैं और साथ ही सिंपल आप अपने होम स्क्रीन पर इजीली स्क्रॉल करके वहाँ पर बैटरी पावर सेव मोड उसे जो बटन है उसको भी ऐड कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली भी आप वहाँ पर पावर सेविंग मोड को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, जिससे जो बैटरी लाइफ है वो और ज़्यादा और बेहतर हो जाती है और परफॉर्मेंस भी एकदम बेस्ट और बढ़िया यहाँ पर स्मार्टफोन का हो जाता है। आप अपने स्मार्टफोन में अपने एल्बम्स या जो फोटो गैलरी में होते हैं उन्हें आप इजीली हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने गैलरी में जाना, गैलरी पर जाने के बाद वहां पर आपको ऊपर की साइड पर थ्री डॉट्स देखने को मिल जाएगा, थ्री डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको वहां पर हाइड मेनू या हाइड ऑप्शन यहां पर आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एल्बम हाइड करना है या कौन सा जो फोटो है उस एल्बम में से उसे हाइड करना है। सिंपली आप अपने फोटोज वीडियोज उन्हें भी इजीली हाइड कर सकते हैं, जिससे आप डाटा जो सिक्योर रख सकते हैं या इंपॉर्टेंट डाटा भी या जो इंपॉर्टेंट फोटो है उसे भी आप एकदम हाइड करके यहां पर रख सकते हैं। सैमसंग के इन स्मार्टफोन्स में आपको एक और बढ़िया और कूल फीचर देखने को मिलता है, एज पैनल, जिससे आप अपने जो फेवरेट ऐप्स है उसे क्विकली ओपन कर सकते हैं, क्विकली उन्हें यूज कर सकते हैं। ये जो एज पैनल हो साइड में या जो स्क्रीन के साइड में वो पॉपअप होता है, जहाँ पर आपको क्विक ऐप्स वहाँ पर आपको कुछ क्विक ऐप्स दिख जाएंगे जिससे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इसे सेट करने के लिए आप सिंपली सेटिंग पर जा सकते हैं, सेटिंग पर जाने के बाद डिस्प्ले पर टैप करना है, डिस्प्ले पर टैप करने के बाद वहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद वहाँ पर आपको एज पैनल नाम का ऑप्शन
ऑप्शन या एज पैनल नाम का फीचर देखने को मिल जाएगा, उसे ऑन कर रहे हैं। सिंपली वहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक नॉर्मल आपको लाइट कलर में जो बटन या एक स्लाइड या आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप इजीली पॉपअप कर सकते हैं, इजीली उसके ऊपर टैप कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पर आपको कुछ ऐप्स देखने को मिल जाएगा, उन्हें आप इजीली सेट कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको कौन से ऐप चाहिए, कौन से ऐप आप वहाँ पर यूज़ करने वाले, उन्हें आप इजीली सेट कर सकते हैं। और इजीली एज पैनल के फीचर को क्विक ऐप ओपन करने के लिए, आपके फेवरेट ऐप्स ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन में जो स्क्रीनशॉट सेव करके रखते हैं, उन्हें भी आप इजीली या क्विकली डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद एडवांस फीचर पर जाना है। एडवांस फीचर पर जाने के बाद स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद डिलीट आफ्टर शेयरिंग फ्रॉम टूल बार, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसे ऑन करना है। इस पर क्लिक करने से क्या होता है, जब भी आप कोई स्क्रीनशॉट किसी और को शेयर करते तो डायरेक्टली डिलीट हो जाता है, या अगर आप शेयर नहीं करते तो वो सेव रहता है और वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होता, वो उसे आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। मतलब शेयरिंग के बाद भी इजीली डिलीट हो जाता है, अगर वो अननेसेसरी हो या आप डिलीट करना चाहते तो भी वो डिलीट हो सकता है, जिससे आपके जो स्क्रीनशॉट्स है वो भी अनयूज स्क्रीनशॉट डायरेक्टली डिलीट हो जाते हैं और आप इजीली उन स्क्रीनशॉट को बढ़िया से यूज़ कर पाते हैं, बढ़िया से उन्हें डिलीट कर पाते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है आपको सैमसंग स्मार्टफोन की टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आएगी। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूले। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो जल्द मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।